नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बड़बोलेपन के लिए जानी जाती है। कंगना अपने बयानों की वजह से अक्सर चर्चाओं में भी बनी रहती है। बीते कुछ दिनों पहले कंगना ने कुछ ऐसे बयान दे डाले जिसकी वजह से वो खुद ही सरकार के लिए मुसीबत बन गई। पहले तो कंगना ने किसान आंदोलन पर बयान देकर बवाल मचा दिया था। बात इतनी बढ़ गई कि बीजेपी को कंगना के बयान से पल्ला झाड़ना पड़ गया था और कंगना के बयान को उनका निजी बयान बताना पड़ गया था। पार्टी ने कंगना को सख्त हिदायत देते हुए भविष्य में इस तरह के बयान ना देने की बात कही है। कुछ दिनों बाद कंगना ने अपने इस बयान को वापस लिया और उसके बाद माफी भी मांगी। मामला इतना बढ़ गया था कि कंगना को एक वीडियो जारी कर अपने बयान के लिए खेद जताना पड़ा था। वहीं अब कंगना रनौत ने कुछ ऐसा कर दिया है जो वाकई में हैरान करने वाला है। अब जो कंगना ने किया है उसके बाद उन्होंने खुद के लिए ही मुसीबत खड़ी कर दी है। दरअसल अब कंगना रनौत ने केंद्र सरकार के एक प्रोजेक्ट के खिलाफ ही आवाज उठानी शुरू कर दी। यूं कहें तो कंगना रनौत सरकार के एक प्रोजेक्ट के खिलाफ खड़ी हो गई है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में अब बिजली महादेव रोपवे का कार्य जल्द शुरू होने वाला है। बिजली महादेव रोपवे बनाने से न सिर्फ टूरिस्ट को सुविधा होगी बल्कि टूरिज्म बिजनेस भी काफी ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन देव समाज और वहां के स्थानीय लोग इस रोपवे का विरोध कर रहे हैं। अब मोदी सरकार के इस प्रोजेक्ट के खिलाफ कंगना भी स्थानीय लोगों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। कंगना ने इस मामले को लेकर कहा है कि देवता का आदेश सर्वोपरि है। बिजली महादेव के लिए रोपवे मामले में वो लोगों के साथ है, इस मामले में वो देव समाज के साथ है। इस प्रोजेक्ट को लेकर मेरी नितिन गडकरी से मुलाकात हुई है और मैंने उन्हें इस मामले से अवगत कराया है। अगर देवता नहीं चाहते तो इस प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए। एक बार फिर नितिन गडकरी से मिलूंगी। हम लोगों के लिए देवता का आदेश आधुनिकीकरण से कई बढ़कर है। बता दें कि गांव के लोग खुलकर केंद्र सरकार के इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। बिजली महादेव मंदिर के लिए रोपवे को लेकर खराहल और कशावरी घाटी के लोग लंबे समय से विरोध दर्ज कर रहे हैं। गांव के लोगों ने कई बार सड़कों पर उतरकर बिजली महादेव रोपवे के विरोध में प्रदर्शन भी किया है। उनका कहना है कि रोपवे बनने से देवता खुश नहीं है, रोपवे बनने से उनके रोजगार बुरी तरह से प्रभावित होंगे। इसके साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचेगा क्योंकि रोपवे निर्माण में कई पेड़ों को काटना पड़ जाएगा। बता दें कि मार्च 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हमीरपुर से वर्चुअली इस रोपवे का शिलान्यास किया था। इस रोपवे का निर्माण नेशनल हाईवे मैनेजमेंट लिमिटेड करेगी। बिजली महादेव का ये रोपवे केवल रोपवे होगा। इसकी लंबाई 3.2 किलोमीटर की होगी। बिजली महादेव रोपवे के निर्माण की लागत फिलहाल 283 करोड़ बताई जा रही है, लेकिन अब कंगना सरकार के इस प्रोजेक्ट के विरोध में खड़ी हो गई है, जिसके लिए उन्होंने अब नितिन गडकरी से भी बात की है। बता दें कि कंगना रनौत को बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाया था। कंगना के लिए हिमाचल प्रदेश में प्रचार करने खुद पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे थे। तीनों ने कंगना के लिए वोट की अपील की थी। वहीं अब कंगना सरकार के फैसलों का ही विरोध कर अपने लिए मुसीबत मोड़ ले रही है। बता दें कि कंगना अपने बड़बोले बयानों के अलावा फिल्म इमरजेंसी की वजह से भी खूब चर्चा बटोर रही है। कंगना की ये फिल्म पहले 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को पास ही नहीं किया। बॉम्बे हाई कोर्ट से फटकार लगने के बाद सेंसर बोर्ड ने कंगना की फिल्म में 13 बड़े बदलाव करने की सलाह दी है। फिल्म से कई सीन्स को हटाने के लिए भी कहा गया है। अगर कंगना ने सेंसर बोर्ड की शर्त मान ली तो उनकी फिल्म को UA सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया जाएगा। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में लगाई गई इमरजेंसी पर बेस्ड है, जो कि लोकतंत्र पर एक काले धब्बे की तरह माना जाता है। देश में इमरजेंसी लगने के बाद क्या कुछ हुआ, यही सब इस फिल्म में दिखाया जाएगा। कंगना की फिल्म इमरजेंसी को 100 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनाया गया है। इस फिल्म में कंगना ने ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है। फिल्म में एक्टिंग करने के साथ साथ कंगना ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस भी किया है। इस फिल्म को बनाने में कंगना ने अपना घर तक गिरवी रख दिया। ये फिल्म उनके करियर के लिए काफी अहम फिल्म साबित हो सकती है। बताते ये भी चले कि इस फिल्म में कंगना के अलावा अनुपम खेर, महिमा चौधरी और श्रेयस तलपड़े अहम रोल में नजर आएंगे। कंगना की फिल्म
अब कब रिलीज होती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरीके से कंगना अपने लिए मुसीबत मोल ले रही है, केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट के खिलाफ खड़ी है, उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।